ठीक है, यानी कि ये तुम्हें पता लग गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट पहला रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप लोग क्या से लिखते हो, आर ओ आर से शॉर्ट फॉर्म में जो है यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास यानी कि क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन विच फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करें। हम लोग जो है इन्हीं तीन चीजों के बारे में जो है पूरे यूनिट में जो है हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को धीरे धीरे यह बात भी समझ में आ जाएगी कि हम लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे जो है बात करना है। ठीक है, ओके। तो ये बातें जो है, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर ओ आर। ठीक है, ओके, चलिए ये तो हम सीख गए। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कोई भी रिएक्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो भी बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा कोई बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ बोलिए सर, पीछे से आप रिपीट करवा सकते हो, मेरी सिग्नल नहीं था तो क्लास लेफ्ट हो गई। अभी जस्ट हमने ये बताया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। हमने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, हम रेट के बारे में बात करेंगे उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और इसको ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के में होता है, और इसके अंदर जो हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तीसरा जो है मैकेनिज्म। अभी ज्यादा नहीं छूटा है, अभी बस जस्ट शुरुआत ही हुआ है। ठीक है, एक पहला हम लोग जो बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। कोई मुझे बताना चाहेंगे कि ऐसा रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता हो, जिन्होंने आप लोगों ने देखा हो? बोलिए, बहुत सारे रिएक्शन है। बोलिए, जैसे आप लोगों ने, हाँ जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि कि आप लोग सोच सको। आप लोगों ने पटाखा फोड़ा है? वो उतना फास्ट नहीं होता है। तो देखिएगा जो इतना फास्ट होता है तुरंत भागना पड़ जाता है, यानी कि देखिएगा आप जैसे ही पटाखे में आग लगाते हो तो यानी कि वहां खड़े रहते हो या भाग जाते हो? भाग जाते। क्यों भागते हो? वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। घर में अगर जो सिलेंडर में आग लग जाता है तो घर छोड़ छाड़ के भागते हैं, घर में आराम से सो जाते हैं? ऐसा रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। यानी कि ऐसे रिएक्शन जो क्या हो, बहुत ही कम समय में जो है ज्यादा हो जाए, या जो भी बॉम्ब वोम है वो सभी आप लोग जब फोड़ते होंगे, मतलब जो जैसे मान लो कि अभी जैसे यूक्रेन पे जो है चाइना बॉम्ब गिरा देता है, देखिएगा पूरा जो है आसपास खत्म हो जाता है। यानी कि उनको भागने के लिए भी मौका नहीं मिलता है, यानी कि क्या हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है। जैसे those reactions which are taken very less time is known as very fast reactions। ठीक है, yes, अब देखो मैं आप लोगों के लिए
NaCl, इसको देखा है आप लोगों ने कहीं? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने रिएक्शन कराया तो ये बन गया AgCl, और साथ में क्या बन गया? NaNO3, NO3, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से आपका जो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, यानी कि AgCl साथ में क्या बन गया? NONO3। ये जो रिएक्शन है ना, 10⁻⁶ सेकेंड लगता है, सोच सकते हो कितना कम समय लग रहा है। यानी कि पलक झपकाने से भी जो पहले ये क्या कर जाएगा, यानी कि जो है रिएक्शन हो जाएगा। ये कैसा रिएक्शन हो जाता है? वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर जब वेरी फास्ट रिएक्शन होता है तो एक बात याद रखिएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। हम लोग जो है ना, फास्ट रिएक्शन का जो है रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसको क्या होता है, बहुत ही कम टाइम लगता है होने में। अगर जब कम टाइम लगता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है, यानी कि हम लोग जो है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। हम लोग जो है इसका जो है क्या करेंगे, रेट डिटरमाइन नहीं कर पाए। अब आपके मन में आएगा कि सर, हम तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी देखो सर यूज करते हैं, और वहां पे बता देते हैं कि इतना देर में जो हमारा फ्यूल जलेगा, देखो कितना फास्ट है। हम लोग के जो सिलेबस के अनुसार से है, यहाँ पे आप लोगों को जनरली फास्ट रिएक्शन का नहीं पता करना, और जब आगे जो पता करते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके होते हैं, हमें तो यानी कि हमारे पास ऐसा मतलब कोई तरीका नहीं है जिससे सिंपल तरीके से हम जो है फास्ट रिएक्शन का पता कर सके। क्योंकि अगर जब मुझे पता लग जाता कि अगर जो भी फास्ट रिएक्शन उसको स्लो कैसे किया जाता है, तो हम लोग ये मेथड जानते हैं कि उसको स्लो कैसे किया जाता है या कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम उसके रेट को नहीं पता कर पाते। जैसे बम को अगर जो आप क्या करो, उसका जो आगे वाला जो रस्सी होता है, थ्रेड होता है, तो क्या कहते हैं आप लोग जो बम के आगे लगाते हैं? बत्ती, ठीक है। जो बत्ती है, उस बत्ती को यानी कि पेपर का बना दो या ऐसा बना दो जो बहुत तेजी से जो है आग पकड़ जाए, देखिएगा विद इन सेकेंड यानी कि हाथ में ही फूट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसमें इस प्रकार से कुछ केमिकल डालते हैं, वो तो धीरे 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 जाता है। जितने बड़े बम होते हैं ना, देखिएगा 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, ताकि कि आप लोग जो दूर भाग सको। और देखना, जो आप छोटा वाला जो पटाखा फोड़ते होंगे, देखना हाथ में कई बार फूट जाता है। दिवाली में अगर जब फोड़ोगे तो आप लोगों को यस पता लगे, यानी कि यस उसका वो डिपेंड करता है कि उसके जो है रेट को हम लोग कैसे कम कर दिया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, वेरी लेस टाइम लगता है। दिस रिएक्शन टेकन वेरी लो टाइम, या माइक्रो सेकेंड, या जो है दिस रिएक्शन टेकन या वेरी लो टाइम, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन को होने में क्या होता है कि बहुत ही कम समय लगता है, जिस कारण से हम लोग रेट ऑफ डिटरमाइन नहीं कर पाते। सेकेंड होता है वेरी स्लो रिएक्शन। कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन का? सर, डाइजेस्टिंग, डाइजेशन मॉडरेट होता है, वेरी स्लो रिएक्शन, वो भी मॉडरेट होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसको कम से कम जो है 2 साल 3 साल तो जरूर लगे, रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग, पहला रस्टिंग हो जाता है, वेरी गुड। और बताइए, प्लांट ग्रुप, और कोई? कोल का फॉर्मेशन, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलिथीन, ये सभी क्या है, यानी कि इनको क्या होता है कि बहुत ही कम समय लगता है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ओके, ठीक है। यानी कि इसको क्या होता है कि बहुत ही कम समय लगता है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। हम लोग ना स्लो रिएक्शन का भी रेट नहीं डिटरमाइन कर सकते,
वी कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या कहते हैं इसको, वेरी स्लो रिएक्शन का, स्लो रिएक्शन। ठीक है। यानी कि हम लोग जो है जो भी स्लो रिएक्शन होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोगों ने बताया फॉर्मेशन ऑफ कोल, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल, सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलिथीन, ठीक है। यानी कि ये सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं। हम जो भी बात करेंगे वो किस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको क्या लगे, एवरेज टाइम लगे, ठीक है, 1 घंटे 1 दिन के अंदर जो है हो जाए, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, फास्ट और स्लो रिएक्शन का जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कैन डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, इसको मॉडरेट, सॉरी मिडरेट लिख दिया हूं, वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि मॉडरेट रिएक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम इसका टाइम देख सकते हैं कि कितने टाइम में हुआ ये रिएक्शन। हाँ, यही चीज हम जो है पता करेंगे कि कोई भी समय जो है कितना जो है इसको लग रहा है रिएक्शन होने में, ठीक है प्रीति? ओके, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, ए और बी को रिएक्ट कराया और जो है सी बनाया, ठीक है। यस सर। अब मुझे जो है ना इसका रेट निकालना है, तो मैं रेट कैसे निकालूंगा, आर ओ आर इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे शुरू में ए यहाँ पे था 10 मोल, तो हो सकता है कि लास्ट में इसके पास कितने मोल बचे, 2 मोल बचे या 0 मोल बचे। इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए। और आपको जो रेट निकालना है, तो यानी कि कितना टाइम लग रहा है इस प्रकार से। अच्छा मुझे बताना कि यहां से ए से बी बन रहा है, ये समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ये रिएक्टेंट है सर, घटेगा कम। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, ए जो है समय के साथ घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। जो है मान लो, सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, मैं जो है रोटी खाने बैठा, मेरे प्लेट में 5 रोटीज है, ठीक है। अब अगर जब 5 रोटीज है, यानी कि समय के साथ जैसे जैसे रिएक्शन करूंगा तो रोटी बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। कोई कह रहा होगा कि बढ़ जाएगा, सर आपकी मम्मी आएगी 2 रोटी और दे देगी, ऐसे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जनरली ये क्या हो जाएगा, ये जो धीरे धीरे घटता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो घटता है ना, इसी चीज को हम लोग माइनस में करते हैं, और ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इसको डिवाइड कर दो। माइनस का मतलब क्या होता है, हाँ बोलिए, अंचल कुछ पूछना चाह रहे हैं, अंचल सर गलती से हो गया। ओके, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यों लगाया हमने, हाँ वही चीज समझा रहे हैं कि हमने क्या कहा कि समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ते होंगे डी एसेलरेशन, अगर जब डी एसेलरेशन कह देते हैं तो निगेटिव नहीं लगाते, लेकिन एसेलरेशन अगर जब -2 है
इसका मतलब है समय के साथ उसका स्पीड घट रहा है, सर, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हम माइनस जो है यूज करते हैं, यानी कि बेसिकली बता रहा है कि समय के साथ क्या होगा, घटेगा, इक्वल टू -1/3 डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बोलिए, इक्वल टू ये समय के साथ घट रहा है ये भी माइनस लिखेंगे, ये समय के साथ बढ़ेगा तो यानी कि हम लोग तो क्या लिखेंगे प्लस, 1/4 ठीक है, यानी कि जो है प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी बी होगा, बी एस सर ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें जो हम लोगों ने क्या कर लिया, ये सारी चीजें जो है लिखना सीख लिया कि कोई भी रिएक्शन होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, चेंज सिर्फ फोर चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, सर और डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टेंपरेचर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टेंपरेचर चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। अच्छा, आप लोगों को कंसंट्रेशन जो था मैंने बताया था कि किस में लेना है, बोल लेता है ओ मोलारिटी में, मोल लीटर पर मोल हाँ, यानी कि मोलारिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, पर लीटर वेरी गुड। यहाँ पे जब भी, हाँ बोलिए मोनू, सर ये फोर्स ही हमने अपनी मर्जी से लिया है किसको प्लस करके नहीं ये बेटा बन रहा है ना, जैसे मैं समझाने के लिए प्रयास आपको करता हूँ, सपोज करो कि ये पहले एक बार समझ लो फिर मैं इसको समझाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ। कंसंट्रेशन यानी कि जो भी है वो क्या लेते हैं, मोल पर लीटर के टर्म में लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को ये याद रखेगा, माइनस क्या बताता है, तो समय के साथ घट रहा है, ये प्लस का मतलब समय क्या बताता है, समय के साथ जो के बढ़ रहा है। जैसे मैं समझाने के लिए लेता हूँ, मेरे पास पी क्यू और आर को रिएक्शन कराया, अब मेरे पास बना ए प्लस बी प्लस सी, बना थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि कि मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूं। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे कहोगे कि सर बी जो है आप जो है बढ़ेगा और यहाँ पे ए जो है धीरे 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 कम हो जाएगा। अगर जब मैं रेट की बात करूँ ना, तो देखिएगा अगर जब कोई मान लो कि एक भूखा आदमी है, ठीक है, शुरू में वो जल्दी जल्दी खाएगा या धीरे धीरे खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, यानी जल्दी कि शुरू में जो भी रिएक्टेंट होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है, फिर जैसे क्या होता है समय के साथ धीरे 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 रिएक्शन करना शुरू कर जाता है। सो बात भी याद रखिएगा कि समय अगर इनिशियल में होगा, क्यों, क्योंकि भूखा आदमी जल्दी जल्दी जो है वो क्या करना चाहेगा, अपना पेट भरना चाहेगा या स्टेबल होना चाहेगा, तो जैसे उसके पास स्टेबल हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फिर स्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं कहूं कि आप मेरे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बता सकते हैं क्या, यस सर तो बताइए क्या होगा, प्लस 1/2 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी वेरी गुड, इज इक्वल टू -1/ माइनस वन डेल्टा अपॉन बी वन अपॉन बाय डेल्टा टी डेल्टा बाय बी। डेल्टा और सभी बोलिए -1/4 आर डेल्टा आर डेल्टा टी आर पी अपॉन टी ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा ए वन बाय वन अपॉन वन फाइव अपॉन फाइव डेल्टा बी अपॉन माइनस नहीं होगा, माइनस डेल्टा होगा क्या, नो ये सर माइनस, नो सर ये माइनस नहीं नो होगा, सर माइनस बेसिकली बता रहा है कि कौन घट रहा है और कौन जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ठीक है, 1/6 डेल्टा बी वन अपॉन बाय सिक्स डेल्टा टी डेल्टा ओके वन बाय सेवन डेल्टा डेल्टा टी वेरी गुड। यानी कि आपके पास कोई भी रिएक्शन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, रेट रिएक्शन को लिख सकते हो। अच्छा, यस जैसे मैं देता हूं आपको कि मैंने क्या करा, एन टू प्लस एच टू और मैंने जो है इसको रिएक्शन कराया, आप मुझे बताइए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो बताना चाहेंगे एक बार रेज हैंड कीजिएगा। कोई सर तो बताइए, कोई कोई
ना नहीं ऐसे ही बोल दीजिए ना। हाँ बोलिए प्रीति। 1/2 डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी प्लस वन वन बाय टू कहाँ से आएगा? सर एन हमारे पास 2 है इसीलिए। तो यहाँ पे भी तो अगर जो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए मिसाल। आपकी आवाज मेरी आवाज सही से नहीं जा रही है? कट रही है। नो सर, ओके ठीक है थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए क्या लिखेंगे और कोई बताना चाहेंगे? सर आप आ रही है। डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T ओके दीक्षा। रमिता बताइए। -1/3 -1/3 डेल्टा N अपॉन डेल्टा T 1/3 कहाँ से लाए? वेरी सर बैलेंस इक्वेशन। गुड थैंक यू। यही मैं सवाल जो है आप लोगों से पूछना चाह रहा। जब भी आपके पास रिएक्शन दिया रहे तो सबसे पहले बैलेंस करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। लेकिन खैर आपने बैलेंसिंग किया है लेकिन यहाँ पे जो 3 नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T और ये जो है माइनस में हो जाएगा। यस सर, ओके ओके -1/3 यानी कि सर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सर आ रही है सर। विशाल बेटा एक काम कीजिए कि आप ना एक बार लेफ्ट करके फिर से जुड़िए। शायद हो सकता है कि कई बार जो है प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/3। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? क्यों बेटा क्या दिक्कत हो गया अर्चना? सर लाइट नहीं और पूरी चार्जिंग ओके अगर जितना देर चल रहा है चला लीजिए। ओके क्योंकि ये पूरी यूनिट में आपकी जो है यूज होती रहेगी। आज अगर जब मिस करोगे तो फिर आगे जो है काफी दिक्कत होगी। जितना देर चलता है तो चला सकते हो। तो लास्ट कहीं छूटेंगे तो वो आप कभी भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है कम से कम थ्योरी अगर चल जाता है तो फिर न्यूमेरिकल जो है हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। ओके चलिए यहाँ पे डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे मुझे बताइए कि प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा N3 बाय N3 अपॉन डेल्टा T ओके ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या आप लोग किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो? यस सर। जैसे मैं आप लोगों को दो एक छोटा सा इक्वेशन, सभी ने नाम सुना होगा, तो बताइए इसका क्या लिखोगे? सबसे पहले बैलेंस कीजिए यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस ओके वेरी गुड यानी कि इक्वल टू माइनस डेल्टा ओ टू डेल्टा टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन की। अच्छा मुझे बताइएगा फॉर्मेशन किसका होगा जिसको हम लोग रेट ऑफ अपेरेंस के नाम से जानते हैं? यानी कि रेट ऑफ अपेरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट यानी कि जो है रेट ऑफ अपेरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट होगा क्योंकि वही चीज जो है क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। यानी कि प्रोडक्ट ही बनता है हमेशा याद रखिएगा। कभी भी रिएक्टेंट नहीं बनता है हमेशा क्या बनता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? ROA कहेंगे। ठीक है जैसे मान लो मेरे पास फिर से वही इक्वेशन लिखता हूँ 2A+3B=4C। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने कहा जाए तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे इस बार डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी डेल्टा और यहाँ पे इस बार मोड लगा देना। क्यों? क्योंकि सॉरी ये तो अपेरेंस है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और मोड हो जाएगा। ओके यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है? सी प्रोडक्ट बन रहा है तो सिर्फ एक ही बन रहा है तो अपेरेंस सिर्फ कितने का होगा? एक ही का होगा। टी।
रेट ऑफ अपेरेंस में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक अगला एग्जाम्पल देता हूं, पी प्लस क्यू इक्वल टू 3R प्लस 4S और यहाँ पे 2 और 3 ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा और क्या होगा। ठीक है, और इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी 1/3 नहीं होगा क्योंकि इसमें जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और इसका कंसंट्रेशन, और मोड का मतलब क्या हो जाता है, अगर जो नेगेटिव भी होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी और मोड, तो मोड हो जाएगा। अब जितना प्रोडक्ट रहेगा सभी को रेट ऑफ अपीयरेंस में लिखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक रियल एग्जाम्पल, हाँ जैसे एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लो मेरे पास यहाँ पे फिर से अमोनिया ले लेते हैं N2 प्लस H2 और ये क्या बना रहा है, यानी कि NH3 और इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ इस प्रकार से, तो मेरे को अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा अपीयरेंस वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा मोड। यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हो। सेकंड हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ROD लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अब खुद सोचिए कि मेरे पास ए और बी से सी बना रहा हूं, ये धीरे धीरे घटेगा कौन, यानी कि ए, आप वैसे समझ लो कि ए ए और बी के सामने पांच पांच रोटी पड़ी है, तो यानी कि जब दोनों खाएंगे तो यानी कि जो सी का फॉर्मेशन होगा, तो धीरे धीरे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये घटेगा और यहाँ पे पेट जो है दोनों का क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो है रिएक्टेंट धीरे धीरे घटा है तो सी बढ़ता है, और सी घटता है तो यानी कि ऐसा कभी होता नहीं कि रिएक्टेंट बढ़ता है। ठीक है, जब भी रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे मेरे पास यही इक्वेशन लेता हूं, 2A प्लस 3B इक्वल टू सी, मुझे बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यहाँ भी माइनस और जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। अब आपके मन में आ गया होगा एक क्वेश्चन, मोड, ओके, अब आपके मन में आया होगा क्वेश्चन कि सर आपने तो कहा कि जब घटता है उस पर लिखते हैं, हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हम क्योंकि पहले ही बता दे रहे कि वो घट रहा है। डिसअपीयरेंस का मतलब है कि हम शब्दों के माध्यम से ही कह दिए कि वो घट रहा है, तो हम लोगों को सिंबॉल करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में कहूं कि मान लो कि तुम जो है निगेटिव में चले गए -10 रुपया, अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आप कर्जे में हो, यानी कि -10 आपको बता दे रहा है कि आप कर्जे में हो। ठीक है, तो वही है कि वर्ड ही कह दे रहा है कि यानी कि इसके पास क्या है, यानी कि ये रिएक्टेंट और ये समय के साथ क्या होगा, यानी कि जो है घटते चले जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, बताइए। अब यहाँ 2P प्लस 3Q इक्वल टू मेरे पास 2S एंड 5R बन रहा है, तो मुझे बता सकते हो ROD क्या होगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो है वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है लिख सकते हैं। ओके, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट को नहीं लिखना है, नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का, यानी कि जो रिएक्टेंट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन में किसका बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो सिर्फ जो है प्रोडक्ट लिखेंगे। मैं यहाँ पे एक नोट में बात लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज आर वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन पॉजिटिव।
द वैल्यू ऑफ आर ओ आर इज पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव ले लेनी है, ठीक है। अब यहां तक आप लोग सीख गए। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन का आपको यूनिट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर में कंसंट्रेशन लिखा, यानी कि डेल ए लिखा, डेल बी लिखा, यानी कि क्या लिखा, कंसंट्रेशन लिखा। नीचे में क्या लिखा, टाइम लिखा, ओके। तो कंसंट्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, किसका लेना है, मोलारिटी का, यानी कि मोलारिटी का क्या हो जाता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी कि मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या लिख सकता हूँ, मोल मोल पर लीटर, मोल लीटर इन वन लिख सकता हूँ, और यानी कि टाइम हो गया, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, और यानी कि क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई, यानी कि जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। क्या मतलब सर, हाँ बोलिए सर, हम एटीएम में ले सकते हैं, एटीएम सेकंड, एटीएम में प्रेशर कहाँ है बेटा, प्रेशर का यूज कर रहे हैं क्या? नो सर, तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे रेट क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट रिएक्शन। यानी कि कोई रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, और इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, या मोल डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जो है टाइम इनवर्स हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक लीटर में जो होता है वो कितना हो जाता है, यानी कि 1 डेसीमीटर हो जाता है, ठीक है। और ये आर की जो आपने बताया उसमें मोल पर लीटर आएगा, आर और डी में जो आएगा उसमें भी मोल पर लीटर ही आएगा। हाँ, सब में यूनिट सेम आएगा, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस लो, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लो। क्योंकि देखो ना, तो वो चीजें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है क्या, डीपी बाई यानी कि कंसंट्रेशन बाय टाइम ही तो है, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि हम तो कंसंट्रेशन बाय टाइम का जो है निकाल रहे हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच मैनर सो दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट को जो है ना हम लोग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कहोगे सर क्यों, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, नहीं। अब मान लो कि कहोगे सर हम तो दिखा देते रेट, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने रिएक्टेंट लिया उससे प्रोडक्ट ना बने, ऐसा कभी होगा ही नहीं। या तो रिएक्शन नहीं होगा, होगा तो हमेशा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके मन में आएगा सर देखो मैं दिखाता हूँ, पानी लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, H2O2, अब H2 प्रोडक्ट नहीं है, वो रिएक्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग जब भी वैल्यू लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ये छोटा सा टर्म है इंस्टेंटेनियस में बताऊंगा, थोड़ा सा हम लोग जो इन दोनों टर्म को रखते हैं। अब देखो यहाँ पे इनका जो है ग्राफ है, तो यानी कि कैसे इनको लिखा गया है, यानी कि dN2/dt और 1/dH2/3, और इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये कहता है दिस रेट आर नॉट ऑल इक्वल, ये याद रखिएगा, सभी के सभी रेट इक्वल नहीं होता है। अगर ये स्टिच्योमेट्री अगर जो हटा दोगे तो रेट कभी भी इक्वल नहीं होता है, ये स्टिच्योमेट्री के कारण जो है यानी कि क्या होता है कि ये जो है इक्वल हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू डिपेंड ऑन द स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज्ड इन द रिएक्शन वाइल, यानी कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन में होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस स्टिच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। जैसे आपके पास था N2 3H2 और यहाँ पे क्या था 2NH3। अगर जब मैं यहाँ से लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, डी का मतलब समझाऊंगा क्योंकि मैं इसको कई सारे तरीके समझाऊंगा। ये बेसिकली छोटे के लिए जो है स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, बड़े चेंज के लिए जो है डेल्टा यूज करते हैं। अभी फिलहाल इतना साफ समझ लो, ठीक है। रेट ऑफ एनी स्पीसीज विल बी फिक्स वैल्यू अंडर अ गिवन कंडीशन, अगर जो फिक्स कंडीशन है तो उनकी जो रेट भी क्या हो जाएगी, यानी कि जो फिक्स हो जाएगी। From the concentration of R at different time is given below, calculated the average rate of reaction. हम लोग जो भी निकालते हैं वो कैसा निकालते हैं, मॉडरेट कह दो या एवरेज जो है निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कि हम लोग जो कुछ सीखें। कहते हैं the rate of reaction that not involve gases is known, यानी कि कौन सा रिएक्शन जो है ये गैसेस में जो है नहीं करता है।
देखो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि यस सर, कंसंट्रेशन तो डिपेंड करता है, टाइम भी करता है। अब हमारे पास दो चीजें बची, सर प्रेशर पे नहीं करता है। हाँ यानी कि कैटलिस्ट पे भी करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म जो है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं नहीं करता। तो करता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए जो ए ओके सॉरी ओके ये क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ। देखो फॉर द रिएक्शन N2O5 से क्या बन रहा है, 2NO2 और हाफ बन रहा है, तो मुझे बताइए क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिख सकता हूँ। यस सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे बताइए। हाँ डेल्टा एन डेल्टा अब एन बोल डेल्टा डेल्टा पी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल्टा बाय टू एन ओ ओवन टू अपॉन बाय डेल्टा पी डेल्टा प्लस एन ओ अपॉन टू अपॉन डेल्टा डेल्टा पी प्लस टी। टू अच्छा ये 1/2 है, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1/2 अब डेल ओ टू, यस सर और तो इसी डेल्टा चीज ओ टू को, अपॉन डेल्टा पी डेल्टा हाँ इसी चीज को टी ये ऊपर जाएगा, तो मैं ऐसा लिख दूँ सीधे सीधे, टू बाय वन टू बाय वन ठीक है, यानी कि 2 डेल्टा NO2, ये तो क्या हो गया आपका यस रेट ऑफ सर रिएक्शन हो गया। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, यानी कि ROD दिया हुआ है, यस और ROD हम लोग लिखते हैं यानी कि किसका दिया हुआ है, N2O5 का, यानी कि N2O5 डिवाइडेड बाय अपॉन डेल्टा डेल्टा टी, पी डेल्टा पी और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.25 × 10^12। सर ठीक है अच्छा मुझे बताइए कि अगर मेरे को जब भी रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस दिया रहे ना, तो प्रयास कीजिएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। अच्छा देखो मैं यहां से रिलेट करता हूं कि ROR इक्वल टू Δn₂O₅ ओ फाइव डिवाइड डिवाइड डेल्टा टी, अगर जब मैं इसके मोड को हटाऊंगा तो इसका मतलब है कि घट रहा होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस माइनस यस जो है प्लस हो जाएगा। यार हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Δn₂O₅ / Δn₂। और देखो Δn₂O₅ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6.25। 6.25 × 10^12 अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 निकालना है, क्या हो गई, यानी कि हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, यानी कि फॉर्मेशन का मतलब अपेरेंस होता है। मैं यहां से जो है क्या डेल्टा लिखता हूँ ए, तो रेट ऑफ अपेरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि N, इनटू फाइव अपॉन डेल्टा टी वेरी गुड, Δn₂O₂ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, बोलिए। यस सर और मोड लगा देते हैं। अब देखो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन NO2 का कितना है, यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 डेल्टा डेल्टा NO2 नो टू अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा 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 टी टी, कॉपी और ये यहाँ पे हम लोग जो मोड नहीं लगा रहे, तो यानी कि इस लिख देते हैं। अच्छा मुझे तो Δn₂O₂ / Δt की वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर ले जाऊँ ROR को, यानी कि 2 times ROR इक्वल टू क्या हो जाएगा, Δn₂O₂ / Δt, यानी कि ROR की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6.25 × 10^-3 ओके यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Δn₂O₂ और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टी, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 4/5 और 12, और यहाँ पे जो है 12.0 × 10^-3, और इसी को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 1.250 × 10^-2, यानी कि आपने रेट ऑफ अपेरेंस निकाल लिया, यानी कि 1.25 × Δt। ठीक है यानी कि इसका देखो, अब देखो दो ऑप्शन है ए और सी, मुझे सेकंड भी निकालना पड़ेगा, सेकंड में हमसे क्या पूछ रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन या जिसको अपेरेंस कहते हैं वो क्या है, 2 times Δo₂ / Δt, बोलिए ये तो है, चाहो तो मोड भी लगा सकते हो। यस अब देखो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये,
ठीक है, अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो टू टाइम्स डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये टू इधर जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आर ओ आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू इक्वल टू डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलिए यहां तक क्लियर? yes, अब देखो आर ओ आर की वैल्यू कितनी वैल्यू है आपके पास, 6.25 × 10⁻³, यानी कि 2 हो जाएगा, तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा ओ टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अब देखो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.125 × 10⁻³ और यही वैल्यू आपको निकालनी है डेल्टा ओ टू बाय डिवाइडेड, यहां से मैं लिख सकता हूँ 3.12 × 10⁻³ हो गया, यानी कि एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके चलिए ये बताइए आप लोग कौन सा फोर्थ, हाँ ये वाला क्वेश्चन सभी एक बार ट्राई जरूर करें, सर भेज दो, हाँ ये है आप बनाइए तो एक बार ट्राई तो कीजिए। यस, होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, इससे आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एएफएमसी का मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर, नो सर, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक है सर, जो आर्मी में होता है, हाँ ठीक है, आर्मी इसको आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज कहते हैं या आर्मी जो भी आप लोग कहते हो, यानी कि ये बेसिकली आर्मी का होता है, पुणे में बहुत ही बढ़िया कॉलेज होता है, कई लोगों का सपना होता है जैसे चिप कुमार एएफएमसी ये सब में जो है, एम्स इन सब में जो है कॉलेज ये सब होते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। चलिए मैं बना देता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है तो मैं बनाऊंगा, हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए पीछे रखे हुए वो आप लोग बनाइए, ठीक है ओके। चलिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, कोई कहता है हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है तो मैं जो यहाँ पर रेट लिख देता हूँ, आर ओ आर इक्वल टू क्या लिख दो, माइनस माइनस ओके वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे देखो क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज पाउंड टू इंक्रीज बाय इतना, द रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, यानी कि आर ओ ए पूछा है, तो आर ओ ए यानी कि किसके लिए निकालना है, बी के लिए, तो कितना हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी डेल्टा टी, नहीं आपको सिर्फ बी के लिए पूछा, तो हम बी के लिए निकालेंगे, हम अपीयरेंस में अगर से चाहते तो हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें तो जरूरत किसके लिए है, क्योंकि बी दिया यानी कि इसकी लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 × 10⁻³, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴, यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने वैसे बता भी दिया है, अब फिर भी देखता हूँ कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। यस सर, इसको बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा है, सेकंड का क्वेश्चन है सर, ये तो बना दी ये वाला ए, ओके सभी का ए आ रहा है, स्नेहा बी, ओके सिल्की ए, रिया बी, अर्चना ए, ओके जनरली सबका जो है ए और बी में से कोई आंसर है। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगा तो फास्ट होना लगेगा या धीरे धीरे होगा सर, धीरे धीरे डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड,
जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास रोटी है, शुरू में मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा अगर जब भूखा हूं, और फिर जब मैं थोड़ा देर के बाद आराम आराम से खाऊंगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके चलिए, बी इस क्वेश्चन को बनाइए, सर एक मिनट, क्वेश्चन दिखाना, वो स्क्रीनशॉट लेना है। वो आपको भेज दूंगा ना ग्रुप में, मैं डेली भेजता हूँ। आप लोग नोट्स बनाते नहीं हो और फिर जो है मेरे से नोट्स मांगते हो, फिर मेरे को जो है नोट्स बनाना पड़ता है आपको भेजने के। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो भी पढ़ते हो अपने लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखा करो, ताकि कि जो है आपको बाद में रिवाइज करने में जो है आपकी लैंग्वेज में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। क्या बना लिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, फिर जिसका अपीयरेंस कह रहा है, जिसका डिसअपीयरेंस कह रहा है उसको लिखिए, फिर दोनों को इक्वेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ, फिर समय नहीं बचेगा। देखो तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है क्या लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आर ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि बी आर BrO3 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, ओके, माइनस इक्वल टू 1/5 डेल्टा बी आर BrO माइनस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस बाई वन बाय सिक्स डेल्टा एच डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। एच अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड। ठीक है, आप लोग जो है बहुत सही को पढ़ रहे हो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 1/3 डेल्टा आपको मैं समझाऊंगा कि डी का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डी का मतलब है बहुत ही छोटे से, क्योंकि मेरे को कुछ ग्राफ बताना है, इसलिए अभी मैं इस सब चीजों के बारे में उतना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक काम चला रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अपॉन डेल्टा H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक डेल्टा टी। है, ओके, यानी किस प्रकार से लिख दिया। अब देखो रेट ऑफ अपेरेंस दिया हुआ है, आर ओ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताइए, यानी कि ब्रोमीन है बी आर बी टू, तो बी आर टू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अपॉन मोड और फिर आपके पास क्या दिया, डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा आर ओ डी वो कितना दिया हुआ है, डेल्टा बी आर माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अपॉन दिया हुआ है। बोलिए यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अच्छा देखिए नो सर। मैं सर यहाँ पे, BRL हाँ कैसे आया? सर कहाँ पे, BRL BR2 है। यस ओ सॉरी, ये बी आर आपको एल लग रहा है, ये सॉरी सर। सॉरी मेरी राइटिंग भी थोड़ी खराब है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है इसको लिख सकते हैं। अब देखो हमें जो है रिलेशन चाहिए, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा आर ओ आर एक बार मैं किसके लिए लिखूंगा, ब्रोमाइड के लिए लिखूंगा, तो बी आर कितना है आपके पास, 1/5, यस और डेल्टा बी आर टू सर। अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा और एक बार जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा ब्रोमाइड आयन के लिए, ब्रोमाइड आयन में कितना आपके पास, थ्री ओके सॉरी ये उल्टा लिखिए, ये बी आर टू नहीं है, ये बी आर माइनस वाला है। ठीक है, यस और रेट ऑफ जो है ब्रोमीन के लिए लिखो, यानी कि ब्रोमीन हमारे पास कहाँ है, सर। 1/3, बाय हाँ, तो डेल्टा बी आर टू डिवाइडेड, थ्री ओके। अच्छा बी देखो आपने रेट ऑफ बी आर टू के लिए हमने लिखा है रेट ऑफ अपेरेंस, यानी कि जो आर यहाँ पे रेट ऑफ अपेरेंस
वो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा बी आर टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और इसका मोड लगा देना। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकता हूँ ब्रोमाइड का, तो डेल्टा बी आर बी माइनस, आर माइनस अपॉन डेल्टा टी। ओके ठीक है, मोड लगा देते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा बी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स लिख सकता हूँ, यस फाइव टाइम्स सर। ऑफ रो आर इक्वल टू डेल्टा बी आर यस माइनस डेल्टा टी, ओके। सर। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सीधे सीधे भी हम लोग लिख सकते थे कि इसकी जो वैल्यू होगी बी आर की, अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में बात करें तो दोनों टर्म तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यस सर। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ सीधे सीधे, दो तीन स्टेप में ना करके। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का बराबर है, मैं ऐसा लिख सकता यस हूँ 1/5 डेल्टा बी आर माइनस डेल्टा टी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक सर। 1/3 डेल्टा बी आर टू अपॉन डेल्टा टी। है। आपको आपको इसको इधर ले जाएंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 3/5 डेल्टा डेल्टा यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा बी आर टू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बी अब देखिए चेक करते यानी कि किसके आंसर है 3/3 और यहाँ पे जो है बी आर माइनस, ठीक है। तो यानी कि जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। यानी कि इस प्रकार से आपको जो है सॉल्व कर लेना है, और आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।